मजदूरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली नर्मदापुरम में पलटी है। वहीं हादसे में 5 मजदूरों के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना मिल रही है। घायल मजदूरों को इस वक्त अस्पताल पहुंचाया गया थे बताया जा रहा है। तो नर्मदापुरम से ये खबर सामने आ रही है जहां पर मजदूरों से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी है। हादसे की तस्वीरें भी सामने आ गई। किस तरह से घायलों को वहां के आसपास के जो ग्रामीण है वो पहुंचा रहे हैं, वो उनका उन्हें देख रहे हैं, ये तस्वीरें सामने आई हैं। बड़ी संख्या में ग्रामीण भी वहां पर इकट्ठे हैं। नर्मदापुरम की ये तस्वीरें हैं जहां से अब से कुछ देर पहले ही मजदूरों से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी है। बताया जा रहा है कि इस ट्रॉली में 20 से भी ज्यादा मजदूर भरे हुए थे। जब ट्रैक्टर ट्रॉली अचानक से पलटी तो इसमें कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हैं। बताया जा रहा है कि 5 मजदूरों को गंभीर चोटें आई हैं जिन्हें अस्पताल में इस वक्त भर्ती कराया गया है। ट्रैक्टर ट्रॉली के पलटने के बाद यहां पर बड़ी संख्या में ग्रामीण भी पहुंचे हैं। तस्वीरें भी आप तक हम लगातार पहुंचा रहे हैं। IBC 24 पर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। घायल मजदूरों को अस्पताल ग्रामीणों की मदद से पहुंचाया गया है जहां पर इस वक्त उनका इलाज जारी है। ट्रैक्टर में 15 से 20 मजदूर सवार थे बताया जा रहा है। तो नर्मदापुरम की ये घटना है जहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली दुर्घटनाग्रस्त हुई है। इस दुर्घटना में 5 मजदूरों को गंभीर चोटें आई हैं तो वहीं कुछ घायल भी हुए हैं। गंभीर रूप से घायल मजदूरों का इलाज इस वक्त किया जा रहा है। अस्पतालों ने ग्रामीणों की मदद से पहुंचाया गया है और कुछ घायल मजदूरों की तस्वीर भी आप इस वक्त देख पा रहे हैं। नर्मदापुरम की ये तस्वीर जहाँ पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली दुर्घटनाग्रस्त हुई है। मजदूरों से भरी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली थी बताया जा रहा है और 15 से 20 मजदूर लगभग इसमें सवार थे, कहीं जा रहे थे और इसी बीच अनियंत्रित होकर ये ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी है जिसमें कुछ लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभिषेक इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, घटना की वजह अब तक क्या सामने आई है, इसके साथ ही घायलों की स्थिति की जानकारी भी आपसे लेना चाहेंगे। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, इटारसी से 20 किलोमीटर दूर आमला गांव के मजदूर हैं, आदिवासी मजदूर हैं जो कि मूंग काटने के लिए नया गांव जा रहे थे। अचानक उसी दौरान उनकी जो ट्रैक्टर ट्रॉली है वो पलट गई जिसमें 20 मजदूर सवार थे जिसमें से 4 से 5 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं जिन्हें इटारसी के सामुदायिक अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उनका इलाज अभी जारी है। जी जी, बड़ी संख्या में यहां पर ग्रामीण भी नजर आ रहे हैं, उनकी मदद से ही इनको अस्पताल पहुंचाया गया है। अभिषेक, बताना चाहूंगा जो घटनास्थल पर जो ग्रामीण और मौके पर पुलिस पहुंच गई थी उनकी मदद से ग्रामीणों को जो घायल मजदूर हैं उनको इटारसी पहुंचाया गया है और सरकारी अस्पताल में इन घायलों का इलाज चल रहा है। जी जी, चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक। तो ये तस्वीरें सामने आई हैं नर्मदापुरम से, जिस तरह की जानकारी हमारे सहयोगी दे रहे हैं, कुछ लोगों को गंभीर चोटें भी आई हैं और उनका इलाज इस वक्त अस्पताल में जारी है।